ठीक है। देखो बेटा हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 13.7, और आपको पता होना चाहिए दो तीन चीज़ें, क्योंकि 13.7 में किसके बारे में सारा, कौन के बारे में है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन के बारे में, इस चैप्टर में यानी सॉरी इस एक्सरसाइज में क्या लग रहा है, सारा सारा का सारा कौन का वॉल्यूम यूज होगा, बस ओनली वॉल्यूम ऑफ कौन ही यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सर प्यारे बच्चों एक सवाल उठा रहा है उसका हमें, फर्स्ट का मैं उठा रहा हूँ, मान लो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन, हमें एक कॉन का वॉल्यूम निकालना है, तो कॉन का मुझे क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। तो बेटे क्या लिखेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ना, तो रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन, बेटे कॉन का रेडियस कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, और क्या गिवन, हाइट है ना, हाइट ऑफ कॉन बेटे कितना गिवन है, कॉन का रेडियस गिवन है, कॉन का हाइट गिवन है। ये कहता है क्या निकालो, इसका वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है जी, वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखो फॉर्मूला, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए सर 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है जी, जब तक कुछ ना बोले तब तक 22/7 ही आएगा पाई की जगह, ठीक है बेटा। आर स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर, एच कितना बेटा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। 7 से 7 कैंसिल, 3 2 6, तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 22 × 2 × 6, ठीक है जी, और पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। 22 जो क्या होता है, 44 × 6 ना, क्या करोगे, 6 × 6 = 24, 2 5 अच्छा 2 6 4 ना, क्या जाएगा, 2 6 4 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ भाई किसी को दिक्कत, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख देना आप लास्ट में, हैंस द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 264 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख देना बेटा, ठीक है जी। ये लिखा पहले आपने, पहला पार्ट इसका हो गया, अगर ये नहीं यहाँ ना दिखे बता देना भाई किसी को दिक्कत हो तो। दीदी क्या नहीं समझे आप, समझ गए, बहुत बढ़िया दीदी, यहाँ बैठती क्लास में ना यहाँ पे हम, कोई नहीं दीदी लाओ बुक, बुक रख लेते हो आप हमारे, ठीक है जी। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर से देखो, फर्स्ट का एक पार्ट मैंने कर लिया, अगला पार्ट आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉरी बेटा क्वेश्चन सेकंड का देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल, मतलब एक कॉनिकल वेसल है, मतलब एक कोई बर्तन है, वो किस सेम में, कौन से में उसका वो क्या कर रहा है, कैपेसिटी निकालो। मैंने आपको पहले बेटा बताया हुआ है कि क्या करना है, जब भी हमें क्या क्या बोले यानी कहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हमें कहाँ कहाँ वॉल्यूम निकालना है, जहाँ पर हमें बोला गया वॉल्यूम निकालो, ठीक है। जहाँ पर कहीं पर हमें किसी भी चीज़ की कैपेसिटी निकालने की बात की गई हो वहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, और जहाँ पर कोई लिक्विड सब्सटेंस किसी चीज़ में डाल रहे हैं वहाँ क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। जहाँ पर हम किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं यानी पिघला रहे हैं वहाँ क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। जहाँ पर किसी चीज़ को काट कर या किसी चीज़ को तोड़कर एक नया चीज़ बना रहे हैं, जैसे मान लो कि कोन है, कोन को पिघला कर मैंने बनाया हेमिस्फीयर, क्या बनाया, हेमिस्फीयर, या कोन को पिघला कर क्या बनाया, सिलेंडर है ना, पिघला कर या काट कर, यानी जब एक शेप को चेंज कर अगला शेप बनाए तभी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। जब किसी चीज़ में हम कुछ चीज़ फिल करते हैं, भरते हैं, जैसे मान लो बर्तन में अनाज भर रहे हैं तभी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। या कभी किसी चीज़ से मान लो बर्तन के अंदर अनाज है और अनाज को हम नीचे ज़मीन में पलट रहे हैं या उस अनाज को किसी दूसरे बर्तन में पलट रहे हैं तभी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। जहाँ पर कहीं लीटर की बात हो वहाँ पर क्या निकालते हैं, सेंटीमीटर की क्यूब की बात हो क्या निकालेंगे, अरे मीटर क्यूब की बात हो वहाँ क्या निकालेंगे, अरे मिलीमीटर क्यूब की बात हो वहाँ क्या निकालेंगे, और कहाँ निकालेंगे वॉल्यूम,
पता क्या सारे मैंने, अब हो गया ठीक है जी। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है कि रेडियस, बट रेडियस कितना वेसल का, आर क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, बट हाइट, हाइट एल क्या दे रखा है, हाँ जी 25 सेंटीमीटर है ना। रेडियस भी है और स्लांट हाइट भी है, ठीक है जी। प्यारे बच्चों क्या इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें जो सूत्र चाहिए होता है, ये जो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है कौन का, 1/3 πr² h, ठीक है जी। मेरे पास रेडियस है, हाँ है, पर मेरे पास क्या बेटा h है, यहाँ पर मुझे h दे रखा है, नहीं h नहीं है, पर मुझे पता है कि h निकालने का फॉर्मूला होता है एक, तो h निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है h इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एल कितना है 25, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेटा आर कितना है सेवन सेंटीमीटर का बेटा। तो प्यारे बच्चों 25 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट कितना आएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों 576 ये कितना, ये किसका स्क्वायर होता है, कितना होता है 24 का, तो 24 सेंटीमीटर, यानी जो इसके वैल्यू क्या आएगी 24, h कितना आ गया 24, अरे क्योंकि 576 जो होता है वो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है जी। चलिए सर, तो प्यारे बच्चों एक काम करिए, h आ गया आपके पास, आप निकाल लो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो बेटा क्या होता है 1/3, अच्छा ठीक है 1/3, पाई क्या बेटा 22/7, आर क्या बेटा, आर क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 × 7, बेटा एच कितना आया 24 सेंटीमीटर आया, बेटा 7 से 7 कैंसिल, 3 × 8 = 24, तो आएगा 22 × 7 × 8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो देखो बेटा 8 × 7 = 56, और 20 से करोगे ना 6 × 12 बेटा कितना आएगा, है ना, यानी 112 और 112, 2 2 1 3 2, 1 2 3 2, 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब, क्या चेक कीजिए यही आंसर आ रहा क्या, 1 2 3 2 फटाफट जल्दी, बस सभी करोगे क्या यार, सभी करोगे यार, बताओ यार फटाफट चेक करो यार, सही है लीटर, ओहो सॉरी वो लीटर में बोला था मैं करने को। तो आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, है ना। तो अब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब होता है छोटा और लीटर होता है बड़ा, तो छोटे को बड़े में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 1 2 3 2 अपॉन क्या रखेंगे 1000, तो 1.232 लीटर आ गया हमारा आंसर। बोले दीदी क्या दिक्कत है, अरे बोलो किसी को समस्या भाई, अरे किसी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं। देखो बेटा, बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सरसाइज 13.7, क्वेश्चन नंबर किस कौन सा 3, बेटा क्या बोला गया है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट क्या है बेटा 15, ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे हैं, हाइट ऑफ कोन, बेटा कोन की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। चलिए एच 15 सेंटीमीटर है, इट्स वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो कौन का हाइट भी है कौन का वॉल्यूम भी है, जो 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 चीज हमें दे रखा हमने लिख दिया, कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, कौन के बेस का रेडियस निकालना है, मतलब कौन का रेडियस निकालना है, क्या निकालना है कौन का रेडियस, ये मेरे पास कौन होता है ना, और ये जो ओ से लेकर ए ना, इसका क्या, इसका रेडियस, रेडियस निकालना है। प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि पाई की जगह क्या रखना है 1/4, तो मैंने आपको ऐसे सवालों में जो ये सवाल होते हैं
या मैंने आपको पहले बताया होगा कई बार कि मैंने आपको बेटा कई बार आपको ये समझाया होगा प्यारे बच्चों कि जब भी कभी आपको सीए से दे रखा हो सवाल में तो उसके नीचे उसका सूत्र लिख दो। अगर कहीं आपको टीए से दे रखा है उसके नीचे उसका सूत्र रख दो सवाल में पहले से दे रखा हो तो। अगर सवाल में पहले से क्या गिवन हो वॉल्यूम गिवन हो तो उसके नीचे उसका सूत्र रख दो। सूत्र मतलब फॉर्मूला। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख दो वो मुझे पहले से देखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब 1/3 पाई की वैल्यू क्या डालनी है रेडियस कितना है वो निकालना है हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। देखो प्यारे बच्चों हमें ना एक काम क्या करो जिसकी वैल्यू निकालनी हो ना उसको कोशिश किया करो अकेला छोड़ दो। तो अकेला छोड़ दो क्या क्या, क्या करो काम करो ये तीन नीचे है ना इसे वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो मतलब 3 डिवाइड में ना तो 3 हो जाएगा वहाँ जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई तो यानी 3 तो ऐसे आ जाएगा 3 ऐसा आ जाएगा बेटा 1570 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 3। और ये क्यों मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना तो ये भी और ये किस में है मल्टीप्लाई में तो नीचे का क्या आ जाएगा डिवाइड में 3.14 इंटू 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा प्यारे बच्चों देखो 15 का अब ये क्या 1570 है 1570 ठीक है जी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों काम करो आर स्क्वायर बराबर क्योंकि इसका एक सेंटीमीटर से इसका एक सेंटीमीटर कट जाएगा 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 3 ठीक है 314 इंटू में 15। प्यारे बच्चों नीचे पॉइंट के बाद दो नंबर है तो पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से कि पॉइंट के नीचे नंबर है पॉइंट के बाद दो नंबर है तो क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे दो नंबर है तो इसलिए हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहाँ ऊपर किससे 100 से। ठीक है तो को बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि इसका मे 3 बन जा 3 कितनी बार डिवाइड जाएगा 5 बार ठीक है जी। अच्छा 5 बन जा 5 है ना फिर 5 बन जा 5 कितना बचेगा बेटा कुछ बचेगा नहीं है ना फिर 7 को कितनी बार डिवाइड जाएगा 5 का 5 3 जा 15 फिर कितना बचा बेटा 7 है ना 5 बन जा 5 5 फोर जा 3 तो 3 4 1 3 4 1 कैंसिल तो यानी जो आर स्क्वायर बराबर ना ये बचा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 इसको बोल सकता हूँ मैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों हमें आर की वैल्यू निकालनी ना तो ये इधर आकर अंडर रूट में आ जाएगा ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 किसका स्क्वायर होता है तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या नहीं आ बेटा आपका समझ में क्या नहीं समझा बेटा तन्नू आप कौन ने समझा भाई बताइए दीदी क्या नहीं समझा हमें रेडियस तो निकालना ना बताओ हैं देखो बेटा 16 नंबर 4 क्या है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर है यानी कोन का हाइट क्या देखा है 9 सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ कोन हाइट ऑफ कोन बट कोन का हाइट क्या देखा है 9 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कौन कितना 45 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है डायमीटर। मैंने भी आपको कहा था जब भी हमें वॉल्यूम दिया हो वॉल्यूम कहीं नीचे लिख क्या लिख दो फॉर्मूला क्या होता है 1/3 एच बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना। प्यारे बच्चों पाई से पाई कैंसिल 1/3 आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है ना 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48 क्यूब। देखो 3 वन जा 3 3 3 जा आर स्क्वायर इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ठीक है प्यारे बच्चों बट ये मल्टीप्लाई में उधर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 48 सेंटीमीटर क्यूब अपोन में 3 सेंटीमीटर 3 वन जा 3
कितनी बार जाएगा? 16। एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट जाएगा ना, ऊपर वाले का कितने बचेंगे? दो। तो आर स्क्वायर बराबर है ना, क्या हो जाएगा, उधर जाकर रूट हो जाएगा ना, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो रेडियस है 4 है ना, तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो डायमीटर बराबर रेडियस इंटू 2, यानी रेडियस कितना है? 4, और 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8। तो लिख देना डायमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ठीक है दीदी, ये हमारा आ गया। बताओ बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है जी बेटे, क्वेश्चन 5 क्या है? आसान है। कॉनिकल पिट, तो बेटे कॉनिकल पिट है यानी कोई हमारे पास कोई गड्ढा है, तो उस कॉनिकल पिट का डायमीटर क्या दे रखा है? 3.5 मीटर। ठीक है बेटे, अगर डायमीटर का 3.5 मीटर है, रेडियस आप निकाल सकते हैं, तो रेडियस 3.5 मीटर अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर। प्यारे बच्चों, इसकी हाइट, गड्ढे की हाइट किस शेप की है? गड्ढे की हाइट कितनी है? 12 मीटर। ठीक है जी, तो कोई मतलब कॉनिकल पिट ऐसा कुछ होगा। प्यारे बच्चों, क्या बोला गया यहाँ पर? एक पेनिकल पिट इतना है ना, तो व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर? इसकी कैपेसिटी क्या होगी किलो लीटर में? तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था, जहाँ पर हमें क्या बोले वो कैपेसिटी, वॉल्यूम निकालेंगे, तो यहाँ पर कौन का निकाल देंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालेंगे। अब अगला वो कह रहा है कि किलो लीटर में निकालो, क्या निकालो? किलो लीटर में। तो प्यारे बच्चों देखो, एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। पहली बात, ये सूत्र है, ये मैंने आपको बताया था, एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और एक और फॉर्मूला है बेटा, एक मीटर क्यूब में होता बराबर होता है एक किलो लीटर के ही। मतलब जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे ना, क्या निकालोगे? वॉल्यूम। तो सपोज मान लो इसका वॉल्यूम आया 5000 मीटर क्यूब, कितना आएगा? 5000 मीटर क्यूब। ठीक है, मान लो सपोज इसका वॉल्यूम आया, अब वो तो कह रहा है किस में निकालो? किलो लीटर में। तो मुझे पता है एक मीटर क्यूब किसके बराबर? एक किलो लीटर। कुछ नहीं करना आपको, पर जहाँ पर मीटर क्यूब है वहाँ क्या लिख देना है? ख़त्म। ठीक है जी, हाँ अगर लीटर में बदलना तो हम मल्टीप्लाई करते वगैरह, इतना खत्म, इतना कर देना। बस क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकाल देना और उसके पीछे क्या लिख देना, बस किलो लीटर लिख देना, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखो, कुछ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ, मुझे कौन पहले से दे रखा है? तो इफ द डायमीटर ऑफ बेस, बेस का डायमीटर दे रखा है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन वैसे नहीं है जैसे मैंने अभी कौन सा कराया था, मैंने 3rd और 4th। तो यहाँ से आप हाइट भी निकाल दोगे, जब हाइट तो आप स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे भाई एक बार, हाँ ठीक है, आसान है, खुद ट्राई कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है बेटे। एक बार है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है जी, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या देखो? 7, सातवां सवाल देखो बेटा। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 7th में बोला गया है राइट ट्राइंगल ABC। ठीक है भाई, एक राइट ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल होगा ABC भाई। ठीक है भाई, ABC नाम ट्राइंगल है। ठीक है ABC, ओके राइट ट्राइंगल ना, ये बना दिया मैंने। अभी बोलता है साइड, एक साइड है 5, एक है 12, एक है 13, 5, 12, 13। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों मान लो मैं समझा उसको, 5, 12, 13। ABC, ठीक है जी। तो मैंने मान लिया छोटा साइड 5, ये 12, और आप लोग जानते हो ना वैसे भी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। तो सब ये जो साइड होती है ना हाइपोटेन्यूस, ये सबसे बड़ी होती है। अब उसने बोला है राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइड 5 सेंटीमीटर 12 और 13 इज रिवॉल्व अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर। रिवॉल्व अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर, यानी जिधर की साइड 12 सेंटीमीटर है हमने इसको उधर पलट दिया। मान लो ये था, जैसे मैंने कहा बेटा मैं ऐसा खड़ा हूँ, तुमने कहा बेटा सर एक बार बाएं साइड पलटना, लेफ्ट साइड पलटना, सर वहाँ पलटो एक बार, नहीं बोलते बाएं मुड़, तो आप ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ेंगे दाएं मुड़, ऐसे मुड़ जाते हैं, आगे मुड़,
आगे ही हो, है ना। अब बच्चे आपको कैसे कहाँ आगे मुड़े यार, अब थोड़ा ना कि बाएं मुड़ मैं से मुड़ रहा हूँ मैसे, है ना, तो पूरा नहीं मुड़ता। अब वो करे पलटी मार दे, पलटी कहाँ मारेगा वो 12 सेंटीमीटर के साइड, मतलब पहले ऐसे था, अब ऐसे पलटी मार देगा वो, जब पलटी मारेगा नहीं है तो ये ऐसे 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 हो जाएगा, ये आरंभ भाई आरंभ क्या हो रहा है, ऐसे हो जाएगा बेटा, ठीक है जी, ऐसे हो जाएगा। जब पलटी मारेगा नहीं, और पलटी नहीं मारा, उसे पलटी तो मारा है पर घूमा भी है, क्या क्या हुआ घूमा है। अब एक चीज देखो, जब आप देखना, जब कोई चीज घूमता है तो गोल नहीं हो जाता हो, तुम लोग गोल कैसे मांगे, चलो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये, ठीक है जी, अब ये मेरे पास डस्टर है, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो एक सर्कल से बनाएगा, धूल आ रही है, क्या बनाएगा, एक सर्कल से बनाएगा, नहीं बनाएगा। जब कोई घूमता है तो कौन घूमा है, कौन घूमा पर किस साइड घूमा है, 12 सेंटीमीटर के साइड घूमा है, तो कुछ ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, ये कौन सा बन जाएगा, घूमेगा ना कौन सा बन जाएगा। अब आपने देखना, जब कोई मतलब कोई जब नाचता है, अगर मतलब किसी ने घाघरा पहना हुआ है तो जब गोल गोल घूमता हो तो कैसे घाघरा ऐसे घूमता हो, गोल से सर्कल से बन जाता है, है ना। वो गाना नहीं था घाघरे पे डांस, कई कई गाने घाघरे पे, तो एक किसका गाना था वो, हाँ तेरे घाघरा घाघरा घाघरा, हाँ है ना, हाँ तो वही है ना। तो जब देना वो गोल घूमता ऐसे, ये घूमता है घाघरा समझो उसका, तो ये ऐसा था, ऐसा समझो ऐसा घूल गया, गोल घूम गया ऐसे, घूम गया है ना, क्या हो गया, यहाँ देखिए मजे नहीं, ठीक है जी, हाँ ठीक है सर। तो मेरे फिर बोलूँगा तुम्हें कहने का, तुम्हारी मम्मी से इसे में ये बात कर रही है, तो बेटे तो प्यारे बच्चे कौन बन गया, यानी ये कौन का क्या हो गया, रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ बेटे कितना बना 5 सेंटीमीटर, बेटा हाइट क्या बन गया, हाइट ऑफ कौन क्या बन गया बेटा, 12 बन गया, रेडियस बन गया, हाइट हो गई, कहने वॉल्यूम निकालो, क्या निकालो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई। प्यारे बच्चों एक्चुअल में क्या है ना, आप पाई की वैल्यू डाल सकते हो, पर जब आप पीछे आंसर मैच करोगे ना, तो उन्होंने आंसर पाई में ही दे रखा है, क्या दे रखा है, पाई में ही दे रखा है, तो आप चाहो पाई की वैल्यू डाल सकते हो आप। आर क्या बेटा, 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, बट एच कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 3 × 12 5×25 = 100, 100 πcm³। चाहो तो पाई की वैल्यू डाल दो, चाहो तो मत डालो, ये आ गया, ये चेक कर रहे हैं, अरे सर भरोसा भरोसा नहीं है क्या, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, जब से मैथ बनी तब से पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या आंसर ये नहीं है, इसे डाउट कर रहे हैं, मुझे पता अगले का आंसर क्या आएगा, वो भी पता, क्या बता दो, वो बता दूँ मैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लूँ मैं, 1 × 12 × 5 3 × 12 भाई 12×5 = 60 6 × 2 = 40 पाई आ रहा होगा, बोलो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पर आ रहा, तो टू पुट पाई नहीं आ रहा, अब और बोल दे, अब बोला बोलो अगला क्या बता दो, अगले का आंसर बता दो, अगले सवाल का, ठहर जा रुक जाओ ठहर, अब तुमने बात कैसे कर दी, तुमने बात कैसे कर दी, रुक जाओ भाई, 2×5 = 10 2×5 = 10 क्या 5 × 12 नहीं आ रहा, बोल अगले का ये नहीं आ रहा, अब बोल दो, अब अगले अगले का सही पहले सवाल का बता दूं मैं आंसर, हाँ पेपर, अब पेपर बता दूं मैं, अब विश्वास नहीं मुझे मेरे पे, तुम्हें पता नहीं कभी कभी मैथ के बुक में से बात करती है, चलो कोई नहीं, ये हो गया ना आठ, हाँ आठवा क्या कर रहे हैं, देखो आठवा सवाल देखोगे, दीदी मेरी बुक दे दो आप, मेरे बोले जा रहे हो घर में है, अच्छा आठवा क्वेश्चन क्या बोल रहा बेटा सुनो, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7, करे सातवें क्वेश्चन में जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा ना इन ए बी सी को 7, अब इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, अरे पहली बार इसने इधर पहले मान लो बाएं मुड़, अब कहां मुड़ रहा है,
दाएं। पहली बार किसके तरफ मुड़ा था? बारह की तरफ। अब कहां मुड़ रहा है? नीचे को। अब ये पहले ऐसे मुड़ा था, अब ऐसे हो जाएगा। तो यानी ये साइड पलट कर इधर आ जाएगी। अब ये ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। ये ट्रायंगल ऐसा था ना पहले, ऐसे। ये पलट, जब इसको पलटे एक बार, किसके पास ऐसा वाला प्रकार है? ऐसा वाला वो होता ना, ये वो है किसके पास? अरे वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का नहीं होते कैसे? कोई लाया ऐसे? तो बताओ किसके पास है? तो 10 रुपये दिख रहे हैं मुझे ज्योमेट्री में। हाँ है ना? देखिए जी, हलो हलो, जल्दी इधर पास करो, इतने में टाइम क्या टाइम देते। देखो ये, देखो ये ना, अब देखो पहले भाई क्या क्या कर रहे हो। ये पहले ऐसे था ना, है ना? अब मतलब पलट गया तो ऐसे नहीं आ जाएगा ये? तो ये ऐसे ही है, है ना? देखो प्यारे बच्चों, ये इसको ऐसे मान लो, ठीक है जी। तो अगर ये यहाँ से यहाँ 12 था, ये भी क्या हो जाएगा? 12। तो यानी इस बार रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस क्या हो जाएगी? 12। और हाइट क्या हो जाएगा? 5। रेडियस 12 और हाइट 5। अब इस कोई बात उठा लेना, इस कंडीशन में क्या करोगे? कह रहे वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालने को बोल रहे हैं ना वो। तो क्या करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है? 12 सेंटीमीटर इंटू एच कितना है? 5 सेंटीमीटर। 3 × 12 = 60, 6 × 24 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे इसका आंसर हाँ क्या? हाँ रुको दादा ठहरो। अब करे क्या साथ साथ क्या करो कि जो सातवां और आठवां का आंसर है उसको क्या निकालो? रेशियो निकालो। कर लेंगे इसका रेशियो निकाल, क्या दिक्कत जा रहा है भाई? सातवां आंसर रेशियो निकालना है। ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या आया? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगले का क्या आया? कैंसिल 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 सॉरी 2 × 5 = कितने बार? 12 बार। तो 5 × 12 बोल दे, आंसर नहीं आ रहा। आगे सर, ओके सर। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न हूज डायमीटर 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों, इसमें बोला गया है ये गेहूं का ढेर है। तो आप देखना, जब आप किसी भी चीज़ को, चाहे किसी भी चीज़ को पलटते हो, जैसे आप अगर कट्टा है, उसको कट्टे में गेहूं है, पलटोगे तो ढेर सा बनेगा वो, है ना? चाहे आप चावल पलटो, चाहे आप चीनी पलटो, तो चाहे मिट्टी पलटो, तो क्या बन जाता हो? ढेर सा, है ना? तो कह रहे गेहूं का ढेर है ऐसे, है ना? तो थोड़ा कौन से बनाता वो, है ना? तो प्यारे बच्चों, ये बोला गया है कि जो इसका डायमीटर क्या बैठा इसका 10.5 मीटर, इसकी हाइट क्या बेटा 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों डायमीटर है तो, है ना, हाइट भी है। ये कह रहा है बेटा फाइंड इट्स वॉल्यूम, क्या निकाले इसका? वॉल्यूम निकाल लो। तो प्यारे बच्चों वॉल्यूम निकाल दोगे आप, है ना? क्योंकि आपके पास डायमीटर है, क्या निकालना आपको? रेडियस। तो 10.5 मीटर अपन क्या आ जाएगा? 2। डायमीटर भी है, रेडियस भी है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो आप 1/3 πr² से वॉल्यूम निकाल दो क्या आप। अब देखो आगे, देखो बेटा आगे बोल रहा है वो, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। अब जो जाहिर सी बात है, मान लो अगर उन्होंने गेहूं का ढेर छत में सुखाने के लिए रखा हुआ है, अब अचानक बारिश आ जाए तो बारिश से मुझे बचाना है, तो उसके लिए कैनवास चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो कह रहे कितना कपड़ा लगेगा, तो कितना कपड़ा लगेगा हमें ये बताना है। मतलब उसने कहीं ना कहीं हमें ये नहीं बोला ये निकालना क्या है। कह रहे कितना कपड़ा लगा दीदी, क्या निकालेंगे? हाँ बोलो, मुझे क्या माइनस करेंगे दीदी? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। मतलब आपको बोलने का मतलब है, टीएसए मतलब क्या होता है? टीएसए ही क्यों निकालेंगे?
क्या सीएसए नहीं निकाल सकते? नहीं, खोखला नहीं है तो गेहूं का ढेर है, ये तो गेहूं का ढेर है, हमने जमीन में रख दिया। तो उसके ऊपर पूरा कवर करेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया तो निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? टीएसए। नहीं, टीएसए का मतलब क्या होता है पता है? अच्छा, फिर अगर पूरे कवर पूरा सीएसए निकालेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे उठ पे गेहूँ, उठ पे चल ये डाल देंगे, ऐसे नहीं हो सकता कि गेहूँ का ढेर उठ पे उठ ऊपर उठ के चल। देखो, क्योंकि हमें गेहूं के ढेर को साइड साइड से कवर करना है, वो तो है नहीं कि आपने मोजे जुराब पहन रहे हो, नीचे पाओगे नीचे से पहन रहे हो। जिस प्रकार हम लोग पैंट पहनते हैं ना, तो पैंट से हमारे पाँव में होते हैं, नीचे नहीं आते पाँव के नीचे, पैंट इतने में आते ना। उस प्रकार के गेहूं का ढेर है, उसे कवर करना है, थोड़ा ना कि ऊपर ये और नीचे से कवर कर दिया। जब सोते हो आप जब सोते हो कैसे होते हो आप? ऊपर से थोड़ा ना कि आपने क्या ले लिया, कंबल ले लिया और नीचे ही बिछा दिया भाई। ऐसे ऐसे तो डेड बॉडी को करते ना, जिंदा इंसान कैसे होता है? इंसान ऊपर क्या कुछ बिछा दो, है ना, थोड़ा ना कि आप ऐसे हो। अच्छा, ये लेपर लिया भाई, चल ऐसे कौन सा था भाई? नहीं, एक प्रैक्टिस हो सकती है, आप कंबल लो और उसमें घूम जाओ, है ना, ऊपर से ऐसे करना। आपको क्या निकालेंगे? सीएसए। क्या निकालेंगे? सीएसए। तो सेकंड पार्ट में सीएसए निकालना है, और ध्यान देना कौन का सीएसए क्या होता है, वहां पर आर आर निकालना होगा। आर कैसे निकलता है? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है सर, मैंने आपको रास्ता बता दिया है, अब जाना खुद आपको। क्या हुआ दीदी? होता है ना, तो हमें यहाँ क्या चाहिए? एल। क्या चाहिए? एल। तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, एल निकालना है, एल निकालना है, यहाँ पर एल नहीं है मेरे पास, इसे निकल जाएगा। ठीक है,